हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिवी कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ 25 फीट बाय 50 फीट का जो हाउस प्लान है उसकी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों 25 फीट बाय 50 फीट मतलब करीबन 1250 स्क्वायर फीट है। दोस्तों उसके अंदर किस तरह से दोस्तों आप प्लानिंग कर सकते हैं आज की वीडियो में सारी डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों ये है 25 फीट बाय 50 फीट का हाउस प्लान। तो मैं वन बाय वन ये जो प्लान है वो समझाता हूँ। दोस्तों ये 2 BHK है, मतलब उसके अंदर दोस्तों की ड्राइंग रूम है, पार्किंग है, राइट, उसके बाद डाइनिंग प्लस किचन है, उसके मास्टर बेडरूम है, उस अटैच बाथरूम, और दोस्तों यहाँ पे एक बेडरूम है। तो वन बाय वन मैं सारे के डायमेंशन आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से हम एंट्री करेंगे, तो दिस इज़ एंट्री पॉइंट। दोस्तों यहाँ से हमारी एंट्री है, मतलब गेट है, ठीक है, ये हमारा गेट है। तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे, ठीक है, एंट्री करेंगे तो यहाँ पे एक बड़ा सा पार्किंग होगा। करीबन पार्किंग की साइज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी क्या है, पार्किंग है, ठीक है, ये हमारी पार्किंग है। पार्किंग की साइज़ करीबन ऐसे दोस्तों, ये जो है ऐसे करीबन 16 फीट 8 इंच है, 16 फीट 8 इंच, और ऐसे जो है दोस्तों 11 फीट है, ठीक है, ऐसे 16 फीट 8 इंच और ऐसे 11 फीट, मतलब बड़ा सा पार्किंग है। दोस्तों पार्किंग के बाद यहाँ पे आपको लॉन मिल जाएगा, ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं लॉन, राइट, ये करीबन आपको मिलेगा 4 फीट बाय 12 फीट का, यहाँ पे 12 फीट 6 इंच का यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लॉन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेयरकेस है, इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों वो करीबन 6 फीट की है, ठीक है, 3-3 फीट के 2 फ्लाइट आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम घर के अंदर एंट्री करेंगे, तो ये हमारा क्या है, ड्राइंग रूम। तो इसको हम नाम देंगे ड्राइंग रूम है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ड्राइंग रूम है, ठीक है। तो ड्राइंग रूम का जो साइज़ है दोस्तों वो करीबन ऐसे 14 फीट बाय 1 इंच है, ठीक है, और जो है उसकी जो डेप्थ है वो करीबन 11 फीट है, ठीक है। तो ये ड्राइंग रूम है दोस्तों, बड़ा सा इसके आराम से दोस्तों एक 2 सोफा 3x3 के सोफा सेट और एक टेबल यहाँ पे आज अरेंज हो जाएगा, मतलब ये 14 फीट का बड़ा सा यहाँ पे आपको ड्राइंग रूम मिल जाएगा। ड्राइंग रूम में से बाहर आएंगे तो यहाँ पे किचन प्लस डाइनिंग है। किचन प्लस डाइनिंग की साइज़ दोस्तों करीबन है, किचन प्लस डाइनिंग, ठीक है, इसकी साइज़ दोस्तों मैं आपको बता दूं तो ये करीबन 13 फीट बाय 12 फीट का यहाँ पे बड़ा सा किचन है, 13 फीट बाय 12 फीट का यहाँ पे आपको किचन प्लस डाइनिंग यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे कॉमन, राइट, कॉमन बार WC है, ठीक है, कॉमन बाथरूम आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, कॉमन बाथरूम जो है उसकी साइज़ है करीबन 6 फीट बाय 8 फीट का यहाँ पे कॉमन हमारा जो बाथरूम है वो यहाँ पे अटैच है। वहाँ से अगर आप बाहर जाएंगे तो सामने की तरफ आपको बेडरूम मिलेगा, बेडरूम के पीछे भी एक्स्ट्रा जगह है, तो ये हमारा बेडरूम है, ठीक है। तो बेडरूम जो है उसकी साइज़ करीबन है, बेडरूम की साइज़ है यहाँ पर है करीबन 13 फीट, ठीक है, ऐसे लंबाई में ये हमारा 13 फीट 7 इंच बाय 11 फीट का यहाँ पे आपको बेडरूम ये मिलेगा। और उसी से बाहर निकल के इस तरफ अगर जाओगे तो यहाँ पे हमारा मास्टर बेडरूम है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मास्टर बेडरूम, ठीक है, ये हमारा मास्टर बेडरूम है जिसकी साइज़ है दोस्तों करीबन 13 फीट बाय 12 फीट, जिसमें अटैच बाथ WC आ जाएगा, जिसमें अटैच टॉयलेट है, जिसकी साइज़ दोस्तों वो है करीबन 4 फीट, ठीक है, जो ये बाथरूम है, ठीक है, बाथरूम जिसकी साइज दोस्तों 4 फीट बाय 8 फीट की है, ठीक है, तो ये 4 फीट बाय 8 फीट का है, ठीक है। तो दोस्तों इतना सारा जी सारी डिटेल दोस्तों आपको इसके अंदर मिलने वाली है। यहाँ से अब आएंगे तो पार्किंग, पार्किंग से ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम 14 फीट बाय 11 फीट, वहाँ से अब आएंगे तो किचन, किचन के बाद कॉमन बाथरूम, और वहाँ पे एक बेडरूम और एक मास्टर बेडरूम, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से दोस्तों ये जो प्लान है ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर ये प्लान आपको डाउनलोड करना है तो इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो।